Okay. मुंह बोलिए मेरा, ठीक है बंद करो। हियरिंग एड भी है, क्या करती है? करती क्या है, बस जो है किसी तरह से पढ़ाई लिखाई कुछ तो भी। अच्छा, मतलब क्या तक पढ़ाई किया इन्होंने? ये इन्होंने तो बीसीए मतलब ग्रेजुएट है, ये तो अच्छी बात है ना। नहीं, पढ़ाई लिखाई में सब ठीक है। नहीं नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ना हियरिंग एड है और इनका बाकी सारा फंक्शन सब कर रहे हैं। वेरी गुड। नाम बताइए। अमृता वाडे। आपको क्या करानी है? हाँ, आपने स्कैन लिया है या पे नहीं लिया ना? स्कैन नहीं लिया। तो स्कैन लेना पड़ेगा, स्कैन लेना पड़ेगा ताकि मैं हड्डी में क्या है देख करके आपको डिटेल बता सकता हूँ। देखो, जॉ में काफी मेजर इश्यू है, काफी अंदर है, सही कर पाएंगे, बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। लिप में इतना परफेक्ट नहीं है, स्कार है, ये भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। नोज भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ये पूरा छोटा है, ये ऊपर है, नीचे है, कम है, पूरा रेडी कर देंगे एक ही बार। लेकिन इनका जो प्रोसीजर्स है सब हड्डी में होगा, ये हड्डी नहीं है, ये सॉफ्ट टिश्यू है, ये हड्डी है, ये भी पूरा हड्डी है। तो मेरे को स्कैन चाहिए, स्कैन देखने के बाद हम आपको पूरा इसका कर देंगे, एक ही बार हो सकता है अगर आपको चाहिए सब कुछ। यही बताएंगे आपका नाम, जब से ये सुनी है यूट्यूब में पता नहीं कहाँ जान गई, तो हमारा सोना और इनकी दो बहने हैं घर में और हमारे बच्चे हैं, ये हमारा बेटा है। अच्छा। लेकिन ये परेशान करती है सही किया है इसने, क्योंकि आप देखो जब यहाँ से जाएंगे इनका पूरा चेहरा बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं जाएंगे, बाकी किसी डॉक्टर को नहीं जाएंगे, दिल्ली में भी एक से डॉक्टर हैं। लेकिन आपने काफी सर्जरीज ऑलरेडी तो कराया है, यहाँ पे कराया है, यहाँ पे बहुत कराया है। हाँ, कितने सर्जरीज कराए अभी तक? कितने सर्जरीज कराई है हमने अभी तक इनको? इनके हो गए हैं, यहाँ नाक के पास इतने बड़े थे, यहाँ मांस था, वो मांस और ये होंठ इनके अलग अलग थे, थोड़े से अलग थे, तो जो हो गए और उसके बाद से चलो फिर गेट द स्कैन। आप उनका पहले स्कैन निकाल लीजिए, स्कैन देखने के बाद मैं आपको प्लान बताऊंगा कि इस पे आपको कितना टाइम रहना पड़ेगा, जॉ सर्जरी कहाँ होगी, ये भी सॉफ्ट टिश्यू है एनोप्लास्टी, इसके लिए कितना रिप दिखाना होगा, यहाँ ये जो भी सारा डिटेल्स बता दूंगा। उसके बाद आप प्लान करो कब आपको सर्जरी करना है, उसके बाद उसको आगे चलते हैं। खर्चा वर्चा हमको बता दीजिए। और फिर जैसे ही हम सर्जरी प्लान करेंगे, हाँ, तो वो हमारे स्टाफ आपको कॉस्टिंग बता देंगे, उसके बाद आप डिसाइड करो तो फिर आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक है, भरोसा हुआ। अरे बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, मैं इतना आपको बता देता हूँ ऑलरेडी, इतना इम्प्रूवमेंट होगा कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। ये बहुत परेशान थी हमारे। एक बार बताऊँ, एक बार हमारा टिकट हुआ, हमें फ्लाइट का टिकट हुआ, तो नहीं पता चला आप पता नहीं बाहर गए हैं। फिर अभी 7वीं तारीख में बाहर जा रहा हूँ। टेंशन हुआ तो एक टिकट में 3,000 कटा 9,000। अब हम लोग फिर जो है फिर हम ट्रेन से आए हैं। अच्छा, दिल्ली से? दिल्ली से तो 2 दिन लगता है। 2 दिन लगा, 1.5 दिन लगा, 5,000 रुपया लगा, 4,900 ट्रेन में भी राजधानी का। हाँ, मतलब आने आने का, फिर जाने का, फिर बाद में, फिर अभी देखेंगे यहाँ से। ठीक है, फिर हम स्कैन कर लेंगे फटाफट मैडम जी, और उसके बाद बताएंगे आपको। ठीक है, स्कैन कराऊंगे। ओके, मतलब कम बैक एंड सी द स्कैन। ठीक है, ठीक
वेलकम।